हेलो दोस्तों, ये देखेंगे इंजन इंट्रोडक्शन। इंजन इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है डीजल मैकेनिक के सेमेस्टर 2 का, शुरुआती चैप्टर है। तो ये डीजल मैकेनिक के इंजन के क्वेश्चन जो हम बहुत और क्वेश्चन दे चुके हैं, तो इंजन के जो और दो तीन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंजन का होगा वहां से भी आप देख सकते हैं। ये जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डीजल मैकेनिक और फिटर और ऑटोमोबाइल का जो कंबाइंड सेट है, जो सेट नंबर 1 यहाँ पर केवल अपलोड है, उसका जो सात पार्ट हैं जो दूसरे चैनल पर थे, दूसरा चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है क्योंकि मैं कल लाइव आया था तो बताया था। तो चलिए उस पर केवल हम वहाँ पर जो होगा, मैं पार्ट 1 का जो सेमेस्टर 1 का होगा वो क्वेश्चन उस चैनल पर डलाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंजन, ठीक है, इंजन दो प्रकार के होते हैं मेन रूप से, एक्सटर्नल कम्बक्शन इंजन और इंटरनल कम्बक्शन इंजन। ये आप लोगों को भी पता होगा, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी दहन कक्ष में होता है, जैसे जेट इंजन और स्टीम इंजन। ठीक है, और इंटरनल इंजन में जो होता है सिलेंडर के अंदर जो होता है दहन होता है, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। ठीक है, एक्सटर्नल इंजन का कम्बक्शन है, इसकी जो शक्ति होती है ज़्यादा होती है इंटरनल कम्बक्शन इंजन से, लेकिन इसमें जो पावर हमको जो दक्षता मिलती है हमको, तो इसका कम इससे कम मिलती है इंटरनल कम्बक्शन इंजन से। और इंटरनल कम्बक्शन इंजन जो होता है दो प्रकार का होता है, SI इंजन और CI इंजन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और दोनों जो होता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में होता है जो होता है दो दो जो चक्र होते हैं, मान लीजिए कि सक्शन हुआ और कंप्रेशन हुआ, तो ये एक चक्कर में ही पूरा हो जाएगा। और दूसरा में जो होता है पावर और एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक में सभी अलग अलग चक्र में होते हैं। तो चलिए, स्पार्क इग्निशन इंजन मुख्यतः जो होता है वो आपका पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, या कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है वो डीजल इंजन होता है। और डीजल इंजन में मेन रूप से होता है ऊपर में एक इंजेक्टर, और इंजेक्टर द्वारा चिंगारी लगाया जाता है, इंजेक्टर द्वारा डीजल स्प्रे किया जाता है, और जो संपीड़ित वायु होता है सिलेंडर में, उसमें जो उससे जो होती है आग पकड़कर और सिलेंडर में दहन होता है। और स्पार्क इग्निशन इंजन में जो होता है स्पार्क प्लग ऊपर में लगा रहता है सिलेंडर हेड पर, और उसके द्वारा चिंगारी लगाया जाता है सिलेंडर के अंदर, और जो पेट्रोल और वायु का मिश्रण जो होता है इनलेट वाल्व के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंजन एक इंजन क्या है। ठीक है, इंजन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इंजन एक यांत्रिक मशीन है जो उष्मीय ऊर्जा अर्थात पेट्रोल और डीजल जो डालते हैं उसको क्या करता है, वो आग में जलाकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर फिर उसको क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल देता है। फ्लाई क्रैंक शाफ्ट, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो क्रैंक शाफ्ट घूमने लगता है, और उसके बाद वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़े फ्लाई व्हील घूमने लगता है, जिससे हमको चक्का जो होता है घूमने लगता है पहियों का, तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये है इंजन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात उच्च होता है। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात जो होता है उच्च होता है, और पेट्रोल इंजन का निम्न होता है। तो निम्न होता है तो 10:1 होता है, डीजल इंजन का 24:1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डीजल इंजन में डीजल का स्प्रे सिलेंडर में किसके द्वारा किया जाता है। तो ऊपर में जो डीजल इंजन में इंजेक्टर लगाया जाता है उसके द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर यहाँ पर देखिए स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, ये डीजल इंजेक्टर, जो डीजल इंजन होगा SCI कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा, तो यहाँ पर इंजेक्टर लगा रहेगा, और अगर स्पार्क इग्निशन हो तो स्पार्क प्लग लगा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, सेट मारिएगा तो आपको पता चलेगा इससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, SI इंजन का दाब कंप्रेशन इग्निशन इंजन CI इंजन का दाब होता है। तो CI इंजन जो होता है 400 से 500 PSI होता है। ठीक है, और SI इंजन का दाब जो होता है 90 से 150 PSI। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बाइवान में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है। जो बाइवान होती है एरोप्लेन उसमें किस प्रकार के इंजन का प्रयोग हो जाता है, तो रेडियल इंजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में बाल्बों की जगह क्या होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो लगा रहता है बाल्बों के, जैसे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, उसमें जो क्या होता है 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं लगे होते, उसमें पोर्ट लगा होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट। ठीक है, ये सभी पोर्ट लगे होते हैं।
उसको पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बड़े वाहनों या इंजनों में प्रत्यक्ष इंजेक्शन ही ठीक रहता है। एक पर इंजेक्शन जो होता है डीजल सीआई इंजन में होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष इंजन जो होता है बड़े वाहनों के लिए केवल या इंजनों के लिए, यहाँ पर सॉरी लिख लिया, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष इंजन इंजेक्शन ही ठीक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंजन में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडर का व्यास क्या कहलाता है, बोर कहलाता है। जो इंजन में इसे सिलेंडर लगा रहता है, तो उसके जो ये वाला व्यास, इससे यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होता है उसको बोर कहते हैं, व्यास को बोर कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सिलेंडर के व्यास को जो कहा जाता है बोर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि इंजन में पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक तय की गई दूरी में जो आयतन प्राप्त होता है, पिस्टन विस्थापन आयतन या अपमार्जित आयतन कहा जाता है। टीडीसी का मतलब होता है जो सिलेंडर में जो पिस्टन सिलेंडर हो गया उसमें पिस्टन है, पिस्टन अगर नीचे से जो यहाँ रहता है तो बीडीसी कहलाता है, ऊपर में रहता है तो टीडीसी। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाता है तो, या एक एक बार जाता है तो वन स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंजन में पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक, अर्थात ऊपर से टॉप डेड सेंटर से नीचे बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक की तय की गई दूरी में जो आयतन प्राप्त होता है, और पिस्टन विस्थापन आयतन या अपमार्जित आयतन कहा जाता है। ठीक है, ये जो पिस्टन विस्थापन आयतन कहलाता है इसे वी एस ले सूचित करते हैं। वी एस बराबर होता है पाई बटा 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एस। डी का मतलब होता है सिलेंडर बोर, जो व्यास होता है उस वो होगा डायमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे और इंटू में एस जितना स्ट्रोक होगा उसे गुणा कर देंगे। तो ये होता है पिस्टन विस्थापन आयतन का फॉर्मूला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और पिस्टन विस्थापन जो होता है क्यूबिक इंच में मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जब आगे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं, जब पिस्टन टीडीसी पर होता है तो यह पिस्टन के ऊपर का आयतन कहलाता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो उस समय जो पिस्टन के ऊपर का आयतन कहलाएगा वो क्लियरेंस आयतन कहलाता है, वीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्ट्रोक से पूर्व कंप्रेशन आयतन तथा स्ट्रोक के पश्चात कंप्रेशन आयतन के अनुपात को कंप्रेशन अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन अनुपात सी आर बराबर होता है वी एस प्लस वी सी बटा में वी सी। ठीक है, जो क्लियरेंस आयतन है और वी एस जो है, यहाँ पर वी एस जो हम पढ़ाया कि यहाँ पर पढ़ाए थे कि पिस्टन विस्थापन आयतन। ठीक है, पिस्टन विस्थापन आयतन प्लस क्लियरेंस आयतन बटा में क्लियरेंस आयतन। ठीक है, तो ये जो स्वेप्ट आयतन भी कह सकते हैं या पिस्टन विस्थापन आयतन कहते हैं। ठीक है, वी सी जो होगा क्लियरेंस आयतन। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कंप्रेशन अनुपात का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंजन में सिलेंडरों की संख्या तथा पिस्टन विस्थापन के गुणनफल को इंजन धारिता कहते हैं। सिलेंडरों की संख्या तथा पिस्टन के विस्थापन, ठीक है, एन बराबर सिलेंडरों की संख्या, वी एस बराबर पिस्टन का विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंजन फ्लाई व्हील पर उपस्थित इंजन के आउटपुट शक्ति क्या कहलाता है। जो फ्लाई व्हील पर उपस्थित इंजन का आउटपुट शक्ति प्राप्त होता है उसे बी एच पी कहते हैं, और बी एच पी बराबर होता है 2πNT बटा में 4500। ठीक है, जहां एन होता है क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति, आर पी एम में इसको रखना है, और टी जो है उत्पन्न टॉर्क है। तो ये फार्मूला है, आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंजन सिलेंडर में विकसित शक्ति सूचित होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तो उसे भी सूचित, इंजन सिलेंडर में विकसित शक्ति सूचित अश्व शक्ति कहलाता है। ठीक है, अश्व शक्ति आई एच पी बराबर इंडिकेटेड हॉर्स पावर बराबर पी एम एल एन बटम 45 इंटू के होता है। पी एम बराबर औसत प्रभावी दाब, जिसको के जी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना है, रेल स्ट्रोक की लंबाई मीटर में रखना है, और ए पिस्टन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना है, एन जो है एक मिनट में स्ट्रोकों की संख्या, और के है सिलेंडरों की संख्या। तो ये फार्मूला आप लोगों को लिख लेना है और ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंजन में घर्षण के कारण क्षय हुई शक्ति को घर्षण अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, तो एफ एस पी फ्रिक्शन एच पावर बराबर आई एस पी इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस बी एच पी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंजन में बी एच पी तथा और आई एच पी के अनुपात को कहते हैं, तो यांत्रिक दक्षता कहलाता है। यांत्रिक दक्षता बराबर होता है बी एच पी बटा आई एच पी इंटू 100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्रैंक पिन के केंद्र तथा मुख्य जर्नल के मध्य दूरी कहलाती है, तो ये छेप कहलाएगा, थ्रो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंजन के पिस्टन स्ट्रोक छेप थ्रो को कितना गुना होता है, तो दो गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिलेंडर में नापी गई विस्थापन होती है, तो ये क्यूबिक इंच में होती है।
ठीक है, सिलेंडर में जो विस्थापन नापी जाती है वो क्यूबिक इंच में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कितना भार को 1 मिनट में 1 मीटर से उठाने पे अपेक्षित शक्ति या कस्व शक्ति कहलाती है। तो 33,000 पौंड अगर 1 मीटर 1 मिनट में 1 मीटर उठता है तो इसे एक कस्व शक्ति माना जाता है, या 45 kg MKS प्रणाली में, AFPS प्रणाली में 33,000 पौंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ये किसका जो ये सूचक है, ठीक है, तो ये जो है पार्किंग ब्रेक का ISO चिन्ह है। ऐसा कर दिया जाए गोला करके ऐसा, और ऐसा कर दिया जाए या इसमें P लिख दिया जाए, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, पार्किंग ब्रेक का ISO चिन्ह। और यहाँ देखते हैं, यदि वाहन में ईंधन का स्तर खाली हो तो संकेत दर्शाएगा, तो MPTE का संकेत दर्शाता है, ई पर फ्यूल चला जाएगा, फ्यूल का जो इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस इंडिकेटर से इंजन के आंतरिक दोषों का पता चलता है, तो मेल फंक्शन लाइट से इंजन के आंतरिक दोषों का पता लगता है, ठीक है, उससे इन मेल फंक्शन लाइट जो होगा इंडिकेट करेगा कि आंतरिक दोष है कुछ इंजन में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इंजन में कुछ दोष देखते हैं और उसका उपचार देखते हैं, ठीक है, इंजन से ऑयल का रिसाव, इसका मतलब है कि इंजन से अगर ऑयल का रिसाव हो रहा है तो हमको पहले कहाँ पर उपचार करना चाहिए, उसके जो इंजन इंजन के ऑयल के आसपास के जो संबंधित नट बोल्ट को टाइट कर देना चाहिए या पैकिंग को बदल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंजन को अत्यधिक कंपन होना, अर्थात अत्यधिक कंपन हो रहा है, इसका मतलब कि आपका बल्ब प्रज्वलन टाइमिंग सही नहीं है, ठीक है, या तो प्री इग्निशन हो जा रहा है, उसका प्रज्वलन टाइमिंग जो सही नहीं है उसको सही करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंजन में आवाज़ आना, आवाज़ आने का मतलब होता है पहले उसका उपचार करना चाहिए, तो संन्याहक लगाकर, ठीक है, और उसके बाद नहीं हो तो अंदर उसको खोलेंगे, ठीक है, जो प्राइमरी उपचार है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इंजन झटका देकर अगर बंद हो जाता है तो इसका मतलब कि फ्यूल टैंक लगभग आपका फ्यूल टैंक में कुछ गड़बड़ी है, तो इस आपको फ्यूल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक धुआं निकलना, इसका अनुमान होता है कि आप समय अनुसार मरम्मत कराते रहिए, गाड़ी को सर्विसिंग कराते रहिए या इंजन का, तो धुआं नहीं निकलेगा, और वो तो मान लीजिए अंदर ही कुछ खराबी है तो उसको और खोलेंगे, ठीक है, यह प्राथमिक उपचार हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, गैस इंजन पर आधारित इंजन में कार्बोरेटर या इंजेक्टर के स्थान पर क्या लगा होता है, तो ये बेंचुअरी प्रणाली लगा रहता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है, और डीजल इंजन में जो रहता है इंजेक्टर लगा रहता है, और गैस ईंधन इंजन में जो रहता है बेंचुअरी प्रणाली लगा रहता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि कार्बोरेटर कहाँ लगा रहता है, डीजल पेट्रोल ऐसे ऑप्शन में दे देगा, तो आप पेट्रोल मारिएगा। एसआई इंजन में ईंधन तथा वायु के मिश्रण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो कार्बोरेटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इंजन का फायरिंग ऑर्डर का आकलन किस इंजन में किया जाता है, तो अपोज्ड सिलेंडर इंजन। तो अपोज्ड सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि दोनों तरह से ऐसे इंजन सिलेंडर रहेगा, ठीक है, ये सीधा देखिए, इधर एक लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा, तो इसमें जो होता है इसका फायरिंग ऑर्डर का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, डीजल इंजन में प्रत्यक्ष इंजेक्शन किस दाब पर होता है, तो उच्च दाब पर जो होता है प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अप्रत्यक्ष इंजेक्शन के प्री चैम्बर में क्या लगा रहता है, तो ग्लोब लगा रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, डीजल इंजन के वाहन से खोलने के लिए इसे सर्वप्रथम किससे अलग करना किया जाता है, अगर डीजल इंजन को वाहन मान लीजिए खराब हो गया वाहन से, तो वाहन से अगर पहले डीजल इंजन को हमको निकालना होगा तो इसको पहले ब्रेक लिंकेज से हम अलग करते हैं सर्वप्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वाहन की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टाइकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वाहनों में गियर शिफ्ट स्थिति गियरों की स्थिति को दर्शाती है, तो किस ये गियरों की स्थिति को दर्शाती है, ठीक है, वाहन में गियर शिफ्ट गियरों की स्थिति को दर्शाती है। क्वेश्चन 35 देखते हैं, ऑयल लेवल को किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो ऑयल लेवल को फ्यूल गेज के द्वारा चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस गेज से फ्यूल टैंक में फ्यूल स्तर की जानकारी मिलती है, ठीक है, ऑयल प्रेशर गेज में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ओडोमीटर कितनी दूरी तय कर सकता है, तो ओडोमीटर जो है आपका 99,999.9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, इसके आगे उसमें स्पीड जो इंडिकेटर रहेगा नहीं दर्शाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ओडोमीटर किसके नीचे होता है, तो स्पीडोमीटर के नीचे होता है, और स्पीडोमीटर वाहनों की गति को किस में दर्शाता है, तो स्पीडोमीटर जो होता है चाल को दर्शाता है किसी वाहन के, तो किलोमीटर पर हावर्स या माइल पर हावर्स दोनों में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, टैकोमीटर का उपयोग
किया जाता है तो रेसिंग कारों में या बड़े गियर अनुपात वाले वाहनों में टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ओडोमीटर द्वारा, और चाल जो होता है स्पीडोमीटर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 42 देखते हैं, दो स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक पावर स्ट्रोक बनता है, तो पावर स्ट्रोक जो बनता है एक क्रैंकशाफ्ट के एक प्रत्येक चक्कर में ही पावर स्ट्रोक बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 43 देखते हैं, एसआई इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो पेट्रोल और वायु का मिश्रण, और सीआई कंप्रेशन इग्निशन कंबक्शन इंजन में जो होता है किस ईंधन का प्रयोग होता है, तो डीजल का। ठीक है, क्वेश्चन 45 देखते हैं, दो स्ट्रोक इंजन में ईंधन का क्रैंक केस से सिलेंडर में भेजने के लिए प्रयुक्त पोर्ट है, तो ये ट्रांसफर पोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन में 46 देखते हैं, और उसमें क्या होता है, इनलेट बाल्ब होता है, तो दो स्ट्रोक इंजन में हम इसमें पोर्ट होते हैं बाल्बों की जगह। ठीक है, क्वेश्चन में 46 देखते हैं, पिस्टन के अंतिम स्ट्रोक हैं, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो होता है पिस्टन बीडीसी से जो होता है ऊपर टीडीसी तक जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पिस्टन किधर से किधर जाता है। सक्शन स्ट्रोक में जो होता है, सक्शन स्ट्रोक में ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से टॉट डेड सेंटर से बीडीसी तक, और पावर सक्शन के बाद होता है कंप्रेशन में बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा, और पावर होगा तो पावर में बीडीसी से वो क्या टीडीसी से क्या होगा बीडीसी तक जाएगा, और एग्जॉस्ट में लास्ट में जो होता है बीडीसी से टॉप डेड सेंटर टीडीसी तक जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, इससे भी बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोज्ड पिस्टन के दो स्ट्रोक इंजन में कितने क्रैंकशाफ्ट होते हैं, तो दो होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब शीतलित इंजनों के सिलेंडर में बने वाटर जैकेट में क्या होते रहता है, तो जो मशीन के किनारे जो वाटर जैकेट लगा रहता है उसमें जल का निरंतर प्रचालन होता है, और दीवारों के गर्मी का जो उसके साथ लगा होता है अर्थात इंजन का, वो गर्मी का अवशोषण करता है, और जल दहन कक्ष की गर्मी का अवशोषण सभी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इंजन के ओवरहीटिंग का मुख्य कारण है, तो इंजन के ओवरहीटिंग का मुख्य कारण है दोषयुक्त शीतलन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इंजन के अधिकतम खपत का कारण है, तो फ्यूल लीकेज का खराब होना अधिकतम खपत का कारण है। इंटरनल कंबक्शन इंजन में कौन सा भाग ऊर्जा का भंडार है, तो फ्लाई व्हील जो होता है वो ऊर्जा का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ऑटो साइकिल में कंबक्शन होता है, तो नियत आयतन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, सीआई या इंटरनल कंबक्शन इसी को बोला जाता है इंजन में एक सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता है, तो सीआई इंजन जो होता है डीजल इंजन होता है, तो उसमें केवल वायु का कंप्रेशन हो, वायु का सक्शन होता है, और वायु जो कंप्रेस होकर जाती है तो ऊपर से जो इंजेक्टर द्वारा डीजल स्प्रे कराया जाता है, तो डीजल स्प्रे डीजल का जो ताप होता है और वहाँ कंप्रेसिड वायु के ताप से जो होता है कम होता है। कंप्रेसिड वायु जो तेज़ी से कंप्रेसिड किया जाता है तो उसका हीट जो होता है उसका ताप जो होता है अधिक रहता है, जिससे आग पकड़ लेता है और उसमें कंबक्शन चैम्बर में दहन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सीआई कंबक्शन गैसीय इंजन में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो सीआई कंबक्शन इंजन में, ठीक है, गैसीय इंजन, जो गैसीय इंजन है गैस द्वारा सीएनजी ये सब, तो कोल गैस व बायोगैस और प्राकृतिक गैस ये सभी का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है। हाँ, और ये जो इसका इंजन का जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपका, दो तीन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, और दूसरे चैनल पर जाइए, दूसरे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी सेट डाला गया है, और वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो होगा थ्योरी डाला जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले सब थ्योरी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।